नमस्कार। दुनिया भर में 21 जून के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर इस दिन को मनाया जाता है और आज क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, दुनिया को योग सिखाने का श्रेय भी भारत को ही जाता है। आज इस मौके पर पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। और देखिए, वैसे तो हम रोज़ाना हमारे दर्शकों को योग के आसन सिखाते हैं और दिखाते भी हैं, लेकिन आज इस खास मौके पर हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद कई सारे लोग हैं और इस बीच हम आपको योग भी सिखाएंगे और उनके बारे में बताएंगे भी, आसन के बारे में कि कौन से आसन आपके लिए लाभदायक हैं। हमारे शास्त्रों में इस बात का वर्णन मिलता है कि योग कर्मेषु कौशलम, यानी कि योग के जरिए आपके तमाम जो कर्म हैं उसमें कौशल आता है। आज हम आपको योग के प्रति किस तरीके से जागरूक होना है ये सिखाएंगे। हमारे साथ कुछ योग गुरु मौजूद रहेंगे जो कि हमें और आपको योग के बारे में बताएंगे और सिखाएंगे भी। इस साल 2024 में योग दिवस की जो थीम है वो महिला सशक्तिकरण के लिए योग, यानी कि योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट है, जो कि महिलाओं पर आधारित है। और देखिए, इसी के साथ क्योंकि अब हम आगे योग करेंगे, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और पूरा विश्व आज योग कर रहा है और संदेश ये देने की कोशिश है कि योग करने से आप स्वस्थ रहते हैं, ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी। तो आज मनाया जा रहा है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। भारत समेत विश्व भर में आयोजित होंगे कार्यक्रम और इस साल की थीम देश की महिलाओं को समर्पित की गई है। हर साल एक नई थीम होती है। योग दिवस 2024 की थीम महिला सशक्तिकरण के लिए योग। ये थीम महिलाओं को खुशहाल जीवन देने के लिए प्रेरित करेगा। तो देखिए, हर साल योग पर एक थीम दी जाती है और आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो पूरे विश्व भर में योग का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस साल की थीम देश की महिलाओं को समर्पित की गई है। आज भारत 24 आपको हर एक तस्वीर दिखाएगा किस तरीके से ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाएगा। विश्व भर में योग दिवस का कार्यक्रम भारत ने पहल की और इसके बाद पूरी दुनिया योग कर रही है। योग के नाम पर कई सारे रिकॉर्ड्स जो कि भारत में दर्ज हैं, पूरी दुनिया को भारत ने योग करना सिखाया। आपको ये बताते चले कि 2014 के सितंबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन में ये प्रस्ताव रखा और इसके बाद 170 से अधिक देशों का साथ मिला, जिसके बाद हमने मिल करके प्रण लिया कि हर साल 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे और इसी कड़ी में आज 10वां संस्करण है योग दिवस पर। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर में मौजूद हैं, घाटी से वो योग के जरिए लोगों को संदेश देंगे, दुनिया को जागरूक करेंगे। अलग अलग जगहों की तस्वीर निकल करके सामने आ रही है। आपको ये बताते चले कि आज के दिन हर आमो खास अलग अलग जगहों पर योग करते हुए नजर आएंगे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। अगर योग की हम बात करें तो योग एक प्राचीन परंपरा है, योग आध्यात्म है, योग ज्ञान है, ये ध्यान है, साधना है, योग धारणा है और आज के दिन हर कोई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योग करता हुआ और साथ ही साथ योग दुनिया को जोड़ता है, योग सबको एक माला में पिरोता है। आज के दिन अलग अलग जगहों से जो तस्वीर सामने आएगी वो भारत 24 आप तक पहुंचाएगा और सबसे बड़ी बात है कि इस बार का जो योग है उसकी थीम महिलाओं पर केंद्रित है, महिला सशक्तिकरण की थीम और ये अपने आप में संदेश देती है साक्षी। बिल्कुल प्रिया, महिला सशक्तिकरण के लिए योग इस बार की थीम और बहुत सोच समझ के थीम दी गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को बढ़ावा दिया, महिलाओं को आरक्षण दिया, ऐसे में इस कदम की सराहना न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी हुई। उसके बाद जब हम 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं और उसको महिलाओं पर आधारित रखते हैं, महिला का थीम देते हैं, तो कई मायनों में ये योग दिवस खास हो जाता है। साल 2015 में पहली बार भारत में योग दिवस मनाया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद योग करते हुए नजर आए और तब से लेकर आज तक न केवल भारतीय प्लेटफॉर्म्स पर बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी योग की धमक देखने को मिली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद योग को प्रमोट करते हुए आए हैं। और इससे पहले भी, यानी कि योग दिवस आने से पहले भी, बीते दिनों हम देख रहे लगातार अपने AI वीडियोज उनके द्वारा जो पोस्ट किए जा रहे थे ताकि लोग प्रेरित हों और बढ़ चढ़कर न केवल योग दिवस के मौके पर योग करें और उसमें भाग लें, बल्कि पूरे साल अपने आप को स्वस्थ रखें और ऐसे ही योग करते रहें।